बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वेदर लवर्स। मानसून बारिशों के मौजूदा सिलसिले और आने वाले तूफ़ानी मानसून बारिशों के नए सिलसिले के हवाले से बड़ी अहम अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। ताज़ा तरीन मौसमी अपडेट्स के लिए बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के मुताबिक मौजूदा मानसून बारिशों का सिलसिला मुल्क के ज़्यादातर इलाकों से काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका, तहम कराची समेत सुबह सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशें अभी भी जारी हैं और हफ्ता 25 सितंबर सुबह सिंध में जारी मानसून बारिशों के मौजूदा सिलसिले का आखिरी दिन होगा। 25 सितंबर के बाद मानसून बारिशों का सिलसिला सुबह सिंध से भी काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन वेदर लवर्स सिर्फ 24 से 48 घंटों के बाद यानी 27-28 सितंबर से ज़्यादा शिद्दत के साथ मानसून बारिशों का एक और नया इंतहाई ताकतवर सिलसिला मुल्क के जनूबी इलाकों और खसूसन कराची समेत सुबह सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद मूसलाधार और तूफ़ानी बारिशों का बायस बनेगा, जिसके बायस ज़ेरी और सहली इलाकों में बाज़ नशेबी इलाके ज़ेरे आब भी आ सकते हैं। इस दौरान मुल्क के बालाई और शुमाली इलाकों में भी कहीं कहीं बारिश का इम्कान है, तहम बारिशों का मुकम्मल फोकस और ज़ोर मुल्क के जनूबी इलाकों पर होगा। अक्टूबर के पहले 10 दिनों के दौरान मुल्क के बालाई और शुमाली इलाकों में ज़्यादा मूसलाधार तेज़ और अच्छी बारिशों का इम्कान है।